वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि आप स्पोर्ट्स से जुड़ी बेहतरीन खबरें सबसे पहले जान सकें। साथियों, खबर यह है कि 12 साल पहले मुक्केबाजी का पहला पंच लगाने वाली पूजा ने कहा है कि कैसे 2016 ओलंपिक के समय उनका करियर खत्म होने की कगार पर था, मगर हार न मानते हुए उन्होंने अपने पंचों पर फिर से जोर डालते हुए टोक्यो तक का सफर तय कर लिया। 30 साल की अनुभवी पूजा 2016 रियो ओलंपिक में जगह नहीं बना पाई थी। उस समय को याद करते हुए उन्होंने कहा, उस समय ऐसा लगा था कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा और मैं दोबारा रिंग में नहीं उतर पाऊंगी, क्योंकि उसी साल दिवाली के दौरान पटाखे जलाते हुए मेरा दायां हाथ जल गया था, जिससे उबरने में 6 महीने लगे और अगले ही साल 2017 में मेरे कंधे में चोट आ गई थी। इसलिए एक तरफ ओलंपिक में भाग ना ले पाने का बहुत दुख सता रहा था, ऐसा लग रहा था कि कभी ओलंपिक नहीं खेल पाऊंगी। हालांकि मेरे कोच, परिवार और लक्ष्य फाउंडेशन ने मेरा साथ दिया, जिससे मैं रिंग में दोबारा वापसी कर पाई। पूजा की हालिया लय की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इस बारे में पूजा ने कहा, ओलंपिक से पहले खेला जाने वाला यह अंतिम टूर्नामेंट था और इसमें गोल्ड मेडल जीतने से काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि हमारी लय और तैयारी सही दिशा में जा रही है। 75 किलोग्राम के वेट कैटेगरी में रिंग में उतरने वाली पूजा ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां और पदक जीतने की राह में आने वाली चुनौती को लेकर कहा, मैं इस समय इटली में प्रैक्टिस कर रही हूं और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, मैं ज़्यादातर टेक्निक पर ध्यान दे रही हूं। वहीं मेडल के लिए मेरी वेट कैटेगरी में टोटल 16 मुक्केबाज हैं, लेकिन नीदरलैंड्स, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के मुक्केबाजों पर नजरें होंगी। मैं उन सब के खिलाफ वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रही हूं और अपना गेम प्लान तैयार कर रही हूं। तो साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड।